कल से 15 प्रीमियम ट्रेन चलाने जा रहा है। ट्रेन दिल्ली से पटना, रांची, मुंबई, अहमदाबाद, हावड़ा, बिलासपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, जम्मू समेत 15 महत्वपूर्ण शहरों के लिए चलेगी। ट्रेन में सभी कोच एसी होंगे। इन ट्रेनों के लिए फिलहाल रेलवे काउंटर या ट्रैवल एजेंसी से टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि टिकटों की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी। इसलिए हमारी अपील है कि कृपया टिकट लेने के लिए स्टेशन ना जाएं। आज शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही ट्रेन टिकट की बुकिंग हो पाएगी। ये स्पेशल ट्रेनें होंगी जिनका किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। एक बार फिर बता दें कि इन ट्रेनों का टिकट रेलवे काउंटर से नहीं मिलने वाला है, बल्कि टिकटों की केवल ऑनलाइन बुकिंग होगी। जिन स्टेशन से ट्रेन चलनी है वहाँ साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है। प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी गोल घेरे बनाए गए हैं। तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। रेलवे बारी बारी से पैसेंजर ट्रेन चलाने के बारे में सोच रहा है। इन्हें 12 मई से शुरू किया जा रहा है और शुरू में 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी जो स्पेशल ट्रेनें होंगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होंगी और देश के अलग अलग स्टेशनों तक जाएंगी। स्पेशल ट्रेन की बुकिंग 11 मई दिन सोमवार से 4 बजे शुरू हो जाएगी, यानी कि आज शाम 4 बजे से। भारतीय रेल की तरफ से 15 जोड़ी ट्रेनों को चलाने की पूरी तैयारी हो रही है। रेलवे पहले से राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेनें चलाती है उसी रूट पर 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके लिए नई दिल्ली स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी की गई है। यहां पर गोल घेरे बनाए गए हैं ताकि एक एक पैसेंजर जो है वो गैप रख के ट्रेन के अंदर आए। ये सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बेसिक फंडा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर एक पैसेंजर से कहा गया कि वो मास्क लगाकर चले। साथ ही साथ रेलवे की तरफ से पूरे प्लेटफॉर्म को जो है वो सैनिटाइज किया गया। स्टेशन के हर एक एरिया को केमिकल से सफाई करने के बाद, बेंचेस की धुलाई करने के बाद ये कोशिश की जा रही है कि जो भी पैसेंजर यहाँ पर आए वो सुरक्षित रहें और कोरोना का संक्रमण ना फैले। पैसेंजर से ये भी अपील की जा रही है कि वो अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क लगाकर चलें, खाना अपना खुद लेकर के आएँ, साथ ही साथ बेडरोल भी साथ में रखें, क्योंकि रेलवे की कोशिश होगी कि वो बेडरोल को ना दे ताकि संक्रमण जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। एक बार जो व्यक्ति किसी चीज़ को यूज़ करे तो दोबारा वो यूज़ में ना आए। इसके साथ ही भारतीय रेल ने जो कंसेशन दिया जाता है उसे पोस्टपोन कर रखा है। ये कंसेशन सीनियर सिटीजन या फिर जो मीडिया और बाकी लोगों को दिया जाता था उसे जानबूझ के पोस्टपोन करके रखा है ताकि कम से कम लोग ट्रैवल करें। रेलवेज की बात करें तो वो नई दिल्ली स्टेशन से 15 शहरों के लिए ट्रेनें चलाने जा रहा है। कल से ट्रेनें शुरू होंगी और ये ट्रेनें वापस भी आएंगी, तो एक तरह से भारतीय रेल की जो आम यात्री सेवा है वो फिर से शुरू हो रही है। जिंदगी पटरी पर लौट रही है, रेलवे की ट्रेनें जो है वो पटरी पर लौट रही है। विपिन पुजारी के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया।